Hi everyone and welcome back to my channel Tips and Tricks. I'm Pooja. Hope you all doing well. If you are new to my channel, please subscribe and hit the bell icon so you get notification every time when I upload any new video. So this video is gonna more interesting because I'm gonna talk about फाउंडेशन एंड कंसीलर. सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कैसे अपना राइट शेड चूज करें फाउंडेशन के लिए एंड कंसीलर के लिए और उसे हमें कैसे यूज करना है और कौन सी चीजें हमें पहले लगानी है और कौन सी चीजें बाद में लगानी है. तो इस वीडियो की मदद से आपका एक परफेक्ट बेस तैयार हो जाएगा. तो मैंने ये दो चीजें यूज की है. ये मेरा स्टिक फाउंडेशन है और ये मेरा कंसीलर है. मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशन आते हैं. आपका मूज फाउंडेशन आता है, क्रीम फाउंडेशन आता है, लिक्विड बेस फाउंडेशन आता है, बट मैं स्टिक फाउंडेशन की सलाह इसलिए दूंगी क्योंकि ये स्टिक फाउंडेशन आपके लिए बिल्कुल भी पैची नहीं बनेगा और आपकी आपका ये बिल्कुल डार्क पैचेस आपकी स्किन पे नहीं लाएगा. ये बहुत ही परफेक्ट बेस फाउंडेशन आपके लिए बनेगा और आप देख सकते हैं कि मैंने इस बेस को मैंने इसी स्टिक फाउंडेशन से और कंसीलर से तैयार किया है. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप बिगिनर हैं, आपको मेकअप करना ज़्यादा नहीं आता है, आप कोई अच्छा सा कंसीलर या फिर फाउंडेशन लेने का सोच रहे हैं, तो आप इन दोनों को बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं. इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं. सो बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ और आप भी जान पाएंगे कि आपको कैसे एक परफेक्ट बेस मिल सकता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फाउंडेशन चूज़ करने का सबसे राइट तरीका है कि आप यहाँ पे अप्लाई करके देखें. अगर आपकी स्किन टोन पे बहुत अच्छे से फाउंडेशन जा रहा है तो आपके लिए वो परफेक्ट शेड है. मैंने अपना फाउंडेशन जब लिया था तो मैंने यहाँ पे अप्लाई करके देखा था. आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है, तब आपको पता चलेगा कि आपका राइट शेड क्या है. और आपका कंसीलर आपके जो है फाउंडेशन से एक शेड लाइट होना चाहिए जिसकी वजह से वो बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट देगा और आपकी फेस को एक डायमेंशनल लुक देगा और बहुत ही स्लिम और सुंदर बनाने के लिए कंसीलर आपके लिए बहुत यूजफुल है. चलिए हम अपने मेकअप को स्टार्ट करते हैं. मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको फेस वॉश करना है. अच्छे से फेस को क्लीन करके फेस वॉश करना है और फेस वॉश करने के बाद आपको यूज़ करना है टोनर. मैं ये रोज़ वाटर टोनर ले रही हूँ. आपके पास जिस भी ब्रांड का अवेलेबल हो रोज़ वाटर टोनर आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके कम्बर या फिर एस्ट्रिंजेंट वाला भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये मैं पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ. इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है जिससे आपकी स्किन को बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से आपकी स्किन को फर्म करता है, आपके सारे पोर्स को क्लोज करता है और एक बहुत ही अच्छा बेस तैयार करता है आपके फेस के लिए. और टोनर तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए. आपके फेस को टाइट रखता है आप, जिससे आपके ये पोर्स को भी क्लॉग नहीं करता है और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को फॉर्म करता है. तो टोनर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अप्लाई हमेशा करना है टोनर. बहुत सारे लोग टोनर स्किप कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लूँगी प्राइमर. मैं प्राइमर से पहले कोई मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी गर्मियाँ हैं और बहुत ही ह्यूमिडिटी है और बहुत ही स्वेट होता है हमारे फेस पे. तो मैं ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. ये मेरा लैक्मे का प्राइमर है जिसे ब्लर परफेक्ट प्राइमर भी बोलते हैं. ये प्राइमर आपको एक बहुत ही अच्छी मैट फिनिश देगा. ये बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और बहुत ही सिंपल आपकी स्किन को बनाता है, जिससे आपको अलग से मॉइस्चराइज़र लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. बिकॉज़ अगर बहुत सारा बेस आप लगा लेंगे तो बहुत ही हैवी लुक हो जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो मैं ये मॉइस्चराइज़र स्किप करके मैं ये प्राइमर लगाऊंगी. ये प्राइमर आपकी आपके फेस को रेडी करेगा बहुत ही अच्छे से, ताकि आप कोई भी मेकअप इस्तेमाल करें तो आपके फेस के अंदर ना जाए कोई भी मेकअप और बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस लुक ये देगा. ये आपके फेस को बहुत ही मैट फिनिश देगा, बहुत ही ग्लॉसी बनाएगा, जिससे आपका जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करें उसका बहुत ही अच्छा लुक आए. कोई भी फाउंडेशन लगाने से पहले आपको प्राइमर यूज़ करना. अगर प्राइमर आपके पास ना हो तो आप रोज़ एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास एलोवेरा जेल ना हो तो आप कोई भी ग्लिसरीन अच्छे से लेके उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स करके आप पूरे फेस पे लगाइए. वो बहुत ही अच्छा सा प्राइमर की तरह वर्क करेगा और आपको बहुत ही ग्लॉसी और अच्छा सा फिनिश देगा और बहुत ही बेस्ट प्राइमर है. अगर आपके पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बट ये प्राइमर मेरा फेवरेट है. इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हमारा फाउंडेशन. तो फाउंडेशन में स्टिक फाउंडेशन लिया है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है. ये मेरा शेड है आइवरी क्रीम 01. ये लैक्मे का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरा फेवरेट ये
फाउंडेशन है, स्टिक फाउंडेशन मैं इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको ज़्यादा फाउंडेशन के बारे में नॉलेज नहीं है, कैसे बेस तैयार करते हैं उन्हें इतना मेकअप करना नहीं आता है, तो ये स्टिक फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैंने लिक्विड फाउंडेशन यूज़ किया था, मैंने क्रीम फाउंडेशन भी यूज़ किया है, मूज फाउंडेशन भी यूज़ किया है, बट मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, इसलिए मैं ये स्टिक फाउंडेशन जब से मैंने लिया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपकी स्किन के लिए है। ये आपको बिल्कुल भी केकी लुक नहीं देगा, बहुत ही ज़्यादा डार्क पैचेस आ जाते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद, इससे वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं एक तरफ अपनी इस फाउंडेशन को हाथों से ब्लेंड करूँगी और दूसरी तरफ मैं स्पॉन्ज लेके ब्लेंड करूँगी। तो अगर आपके पास स्पॉन्ज अवेलेबल नहीं है तो आप हाथों से ब्लेंड कर सकती हैं। मैंने एक तरफ फिंगर से अप्लाई करके आपको दिखाया है कि कोई भी फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। आपके पास अगर स्पॉन्ज नहीं है तो आप अच्छे से अपनी फिंगर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और आपको एक साथ पूरे फेस पे ये फाउंडेशन नहीं लगाना है, थोड़े थोड़े एरिया में लगा के फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और याद रहे, जितने अच्छे से आप कोई भी फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगी वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फाउंडेशन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई अच्छे फाउंडेशन में, आप बहुत टाइम से कोई अच्छा फाउंडेशन चाहते हैं अपने लिए, तो आप ये फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ट्रस्ट में अगर आप एक बार इसको यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से वर्क करता है। मार्केट में तो बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं फाउंडेशंस, बट ये मेरा पर्सनली फेवरेट है बिकॉज मैंने बहुत सारे फाउंडेशन यूज़ करने के बाद मुझे ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। याद रहे, फाउंडेशन को जितने अच्छे से आप ब्लेंड करेंगी, जितने ही हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करेंगी, ये उतना ही फ्लॉलेस बेस आपका तैयार करेगा। ये सारे आपके अनइवन टोन को बहुत ही इवन करके आपको एक बहुत अच्छी फिनिश देगा। आपको कोई भी प्रोडक्ट बहुत रगड़ना नहीं है, बस टैप टैप मोशन में आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है। आपको ईयर, नेक और पूरे फेस पे अप्लाई करना है जिससे आपका ईयर, नेक और फेस अलग अलग ना लगे और एक बहुत ही प्यारा सा फ्लॉलेस लुक दे। तो ये ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा बेस बहुत ज़्यादा अच्छा रेडी हो चुका है, जो कि आप बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ यू देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये लग रहा है। अब मैं लगाऊंगी कंसीलर। मेरा ये कंसीलर लॉरियल का है, ये बहुत ही अच्छा है। मेरा शेड इसमें गोल्डन हनी है, ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। ना ये बहुत हाई कवरेज कंसीलर है, ना बहुत लो कवरेज कंसीलर है, ये एक मीडियम कवरेज कंसीलर है। ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। और याद रहे, जब भी आप कंसीलर लें तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी फाउंडेशन है उससे एक शेड लाइट आपको कंसीलर लेना है, जिससे आप जहाँ जहाँ भी इसको अप्लाई करेंगे आपको बहुत ही ब्राइट लुक देगा। कंसीलर क्या करता है, आपकी स्किन को एक बहुत ही डायमेंशनल लुक देता है, आपके फेस को बहुत ही फर्म दिखाता है। जैसे आप मॉडल्स को देखती हैं वो बहुत अच्छे से अपने फेस पे कंसीलर लगाती हैं, जिससे उनका डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, सारे दाग धब्बे रिड्यूस हो जाते हैं और उनके फेस को एक जो फॉर्म आप लुक देखते हैं बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे से फेस को आप स्लिम देखते हैं, उसमें बहुत ही आपके उनके चीक बोन्स बहुत अच्छे से हाईलाइट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीलर से मिलती हैं। आपको देखना, आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आपको बिल्कुल इसी तरीके से अपने फेस पे कंसीलर लगाना है जिससे आपको बहुत ही अच्छा लुक दे। मैं कंसीलर में आपको बोलूँगी कि आप किसी अच्छे ब्रांड से कंसीलर लें, जैसे लॉरियल या फिर कोई भी अदर ब्रांड्स हैं, तो कंसीलर आपको थोड़ा अच्छा इसलिए लेना चाहिए क्योंकि कंसीलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके एक बढ़िया बेस के लिए। तो कंसीलर में थोड़ा सा स्पेंड आप करेंगी तो आपको खुद रिजल्ट मिलेंगी कि आपके सारे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो आपको मेकअप करने के बाद बिल्कुल सारे रिड्यूस हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, और एक बहुत ही प्यारा सा फ्लॉलेस इफेक्ट आपको मिलता है। ये आपके सारे एरियाज़ को ब्राइट करता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है। आप देख सकते हैं कि अब कंसीलर लगाने के बाद मेरे फेस में बहुत ही अच्छा सा ग्लो आया है यो, और मेरे पूरा फेस बिल्कुल भी अनइवन नहीं लग रहा है, ये बहुत ही इवन और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।